ठीक है, कल हमने देखा था कैरेक्टर फंक्शंस के, हम लोग ने पांच फंक्शंस देख रहे थे, इज अल्फा, इज डिजिट, इज एलनम, इज पंक्चुएशन, इज स्पेस। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग और कुछ अगले अपने फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ है इज अपर। ठीक है, इज अपर क्या करता है, दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट कंटेन्स एन कैपिटल लेटर अल्फाबेट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि जो हमने कैरेक्टर एंटर किया हुआ है वो अपर केस है या नहीं है। ठीक है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। देन उसका सेवेंथ है इज लोअर, दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स कंटेन्स ए लोअर केस अल्फाबेट और नॉट। इस लोअर क्या चेक करेगा कि वो लोअर केस है यानी नहीं है, वो चेक करेगा। देन उसके बाद एट, टू अपर, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स लोअर केस अल्फाबेट इंटू अपर केस अल्फाबेट। टू अपर क्या करेगा, लोअर केस अल्फाबेट को चेंज कर देगा अपर केस अल्फाबेट में, मीन्स अगर हम लोग स्मॉल एंटर करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। देन उसके बाद है यहाँ पे टू लोअर, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स एन अपर केस अल्फाबेट टू लोअर केस अल्फाबेट। अगर हमने कोई भी अपर केस में डाला मतलब कैपिटल लेटर हमने डाला तो उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में मतलब स्मॉल में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अपर, इज लोअर, टू अपर, टू लोअर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, हम लोग यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं सी टाइप डॉट एच। देन उसके बाद हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, और यहाँ पे हम लोग कॉन आई ओ डॉट एच भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तभी वो सही से इनपुट ले पाएगा। ओके, तो तीन हेडर फाइल यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं वॉइड मेन में, और यहाँ पे हमने एक सबसे पहले वेरिएबल बना लिया कैर एन। देन उसके बाद दे दिए प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर एन अल्फाबेट। देन उसके बाद यहाँ पे हमने गेट सी एच ई से उस कैरेक्टर को इनपुट ले लिया और किस में स्टोर कर दिया, एन में स्टोर कर दिया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमने अल्फाबेट एंटर किया है वो लोअर है या फिर अपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ इज लोअर ऑफ एन, अगर जो भी हमने अल्फाबेट डाला है वो लोअर केस में अगर डाला होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, अपर केस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टू अपर सी एच, जो भी हम लोग का कैरेक्टर है उसको हम लोग एन में डाल देंगे। देन उसके बाद एल्स सी एच इक्वल टू टू लोअर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टू लोअर करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे एन होना चाहिए, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे भी एन हो जाएगा। ओके, नाउ अल्फाबेट इक्वल टू परसेंट सी और एन। तो यहाँ पे अगर लोअर केस में एंटर करेंगे तो वो चेंज कर देगा अपर केस में, अगर अपर केस में हम लोग चेंज करेंगे तो वो चेंज कर देगा लोअर में। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाए, तो हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे न्यू ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट इज अपर टू लोअर टू अपर। अपर कैरेक्टर फंक्शन,
hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include ctype.h. हमने तीन हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, void main और उसके बाद हम लोग यहाँ get ch हम लोग लास्ट में लिख लेंगे. और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं char n. फिर मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन. देन उसके बाद हम लोग इनपुट ले लेंगे, तो मैं उसके लिए एक मैसेज प्रिंट करूँगा, printf स्लैश एन एंटर ए कैरेक्टर. एंटर कैरेक्टर हम लोग ने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया. देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग गेट सी एच ई से हम लोग इनपुट ले लेंगे, और इनपुट ले के हम क्या करेंगे, एन के अंदर डाल देंगे इसको. तो एन को हम लोग इनिशलाइज कर दिए एक सिंगल कैरेक्टर से. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में हम लोग चेक करेंगे. सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ इफ, अगर हम लोअर केस में एंटर करते हैं, इज लोअर ऑफ एन, अगर एन जो है लोअर केस में होगा तो क्या करेगा, उसको अपर केस में चेंज कर देगा. एन इक्वल टू टू अपर ऑफ एन, ठीक है, एन को क्या करेगा, अपर में चेंज कर देगा, मतलब अपर केस में चेंज कर देगा. अगर मैंने एन डाला मान के चलिए स्मॉल ए, तो उसको चेंज कर देगा कैपिटल ए में, ठीक है, और यहाँ पे एन में वापस से स्टोर कर देगा उसको. देन उसके बाद एल्स में आते हैं, अगर कैपिटल में एंटर करेगा तो क्या करेगा, उसको लोअर में चेंज कर देगा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू टू लोअर. लोअर ऑफ n. ओके. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हमारे if के बाद यहाँ पे हम लोग उस n की वैल्यू प्रिंट कर देंगे. फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश n नाउ अल्फाबेट इज परसेंट सी, ठीक है, कॉमा एन. ठीक है, हमारा एन की वैल्यू क्या होगी, जो भी फाइनल वैल्यू होगी या तो लोअर केस में होगी या अपर केस में होगी, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा. तो मैं इसको करता हूँ सेव. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैर एफ यू एन टू डॉट सी, और हम लोग इसको करते हैं कंपाइल. कंपाइल किए कोई भी एरर नहीं आया है, और हम लोग कर देते हैं रन. यहाँ पे रन करते हैं एंटर अ कैरेक्टर. सबसे पहले मैं स्मॉल में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउ अल्फाबेट इज ए. ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ कैपिटल ए, तो ये क्या कर दिया, स्मॉल में चेंज कर दिया. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने चेंज किया है. अगर हमने लोअर कैरेक्टर डाला मींस स्मॉल लेटर्स में डाला, तो वो किस में चेंज कर देगा, अपर में चेंज कर देगा. यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इज लोअर ऑफ एन, अगर वो एन जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या होगा, लोअर केस में होगा, देन क्या प्रिंट, देन क्या करेगा, उसको अपर केस में चेंज कर देगा. एल्स, else पार्ट में तब आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब हमारा जो कैरेक्टर होगा कैपिटल में होगा. कैपिटल में हम एंटर करेंगे तो क्या कर देगा, उसको लोअर केस में चेंज कर देगा और वापस से n में स्टोर कर देगा. और फाइनल हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं.